हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ अर्शी खान। जी हाँ गाइस, सीजन 11 में नजर आ चुकी थी और साथ ही साथ ये हमें सीजन 14 में भी नजर आई। और मैं आपको बता दूं कि इनका और जो साथी साथ राखी सावंत का जो क्यूट फाइट लगता था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। जी हाँ गाइस, और कैसे राखी सावंत बोलती थी, एजाज तुम देख रहे हो इसने मुझे यहाँ मारा, मुझे चोट लग गया। मतलब बहुत ही कॉमेडी पर्सनालिटी था। अब यहाँ पे अर्शी खान ने अपना लाइफ का कुछ मोमेंट्स को शेयर करते हुए ये बोला कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे स्टार्टिंग से मॉडलिंग वगैरह का, इंडस्ट्री में जाने का, नाम कमाने का बहुत दिल था। बट जैसे मैंने अपनी विश अपने घर वालों को बताया तो मेरी मम्मी का ये मानना था कि मैं काफ़ी हद तक ज़्यादा अमीर लड़के से शादी करके मतलब सेटल हो जाऊँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरा फादर का ये बोलना है कि मैं तुम्हें बर्तन धोते हुए नहीं देख सकता, और बोला है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स को अचीव करना है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो चली गई मॉडलिंग में। 2 साल उन्होंने मॉडलिंग की बट कुछ भी चीज़ वो सिक्का जमा नहीं पाई और वो वापस अपने घर आ गई। ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और उसने अपनी मम्मी को बोला कि मैं ये सब चीज़ छोड़ना चाहती हूँ। उसकी मम्मी काफ़ी रोने लगी और उन्होंने ये प्लान कर लिया कि मैं दुबई जाके शादी करके सेटल हो जाऊंगी। एंड देन उसके बाद वहीं पर उन्हें बिग बॉस का फ़ोन आता है कि आप बिग बॉस के शो पर आना चाहती है। और मैंने बोला ठीक है, बट मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ लोगों के पास मेरे पैसे उधार थे। बोल के मेरे पास 8,000 था और 5,000 मुझे जाने में ही लग गया क्योंकि भोपाल से दूर था वो जगह। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं ये शो में गई और यहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ। जो मैंने बातें बोले कि मैं सबका बैंड बजा के रख दूंगी, सच में मैंने बजाया और हाँ, मैंने अपने आप को प्रूव किया। तो ये था उनका स्टोरी। हाउ मच यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय।